हेलो फ्रेंड्स, शिवसांग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीसीटी होल अब्डोमन फिल्मिंग प्रोसेस के बारे में कि सीसीटी होल अब्डोमन की फिल्मिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, फिल्मिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। सीसीटी होता क्या है? सीसीटी होता है कंट्रास्ट एनहांसमेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल सीटी स्कैन नहीं होता है, ये कोई प्लेन सीटी स्कैन नहीं होता है। ये एक कंट्रास्ट एक डाई दे के पेशेंट का स्कैन किया जाता है। फ्रेंड्स, इस स्कैन को करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि 4 से 5 घंटे की पेशेंट फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 घंटे पेशेंट कंपलसरी है फास्टिंग में होना। फ्रेंड्स, इस स्कैन को करने से पहले एक ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एक डाई इंजेक्ट करते हैं कैनूला लगाकर, जो कि हमारी बॉडी ऑर्गन से होती है, हमारी किडनी से पास होती हुई और वो ब्लैडर तक पहुंचती है। अगर हमारा किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो वो किडनी पर इफ़ेक्ट डालती है, तो इसलिए ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इस स्कैन को करने से पहले 2 लीटर ओरल कंट्रास्ट पॉजिटिव ओरल कंट्रास्ट पिलाते हैं। किसी किसी केस में नेगेटिव भी देते हैं और किसी किसी केस में पॉजिटिव ओरल कंट्रास्ट दिया जाता है। फ्रेंड्स, 2 लीटर ओरल कंट्रास्ट पिलाते हैं पेशेंट को 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद पेशेंट का एक प्लेन स्कैन किया जाता है। प्लेन स्कैन करने के बाद आईवी कैनुला के थ्रू एक आईवी कंट्रास्ट ओमनीपैक पेशेंट को दिया इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद कुछ सेकेंड में पेशेंट का स्कैन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इसका ओवरव्यू, जिसमें पेशेंट 4 से 5 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल होना चाहिए, 2 लीटर ओरल कंट्रास्ट पेशेंट को दिया जाता है 2 घंटे तक, उसके बाद स्कैन करते हैं। स्कैन होने के बाद फिर हम फिल्मिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिल्मिंग स्टार्ट करते हैं सीसीटी होल अब्डोमन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक पेशेंट है, इसको हम रिफॉर्मेट में ओपन कर लेंगे। ये थिन प्लेन को रिफॉर्मेट में ओपन कर लेंगे और इसकी हम 70 इमेज बना लेंगे बैच फाइल के थ्रू। एक्सजीएल पर जाएंगे, इसको ओब्लिक में सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ओब्लिक इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि जितनी हमको इमेज चाहिए उतनी ही बनकर आएँ, कम या ज़्यादा नहीं बने। हमको 70 चाहिए तो 70 इमेज बन जाएंगे, तो हमको 69 इमेज, एक हमारा स्काउट हो जाएगा तो हमको 69 इमेज चाहिए। तो यहाँ से हमारा फ्रेंड्स, ये जो स्कैन होता है ये लीवर से लेकर और हमारा पेल्विस तक होता है। इसमें लीवर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर वो सारा ही कवर करते हैं होल अब्डोमन में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लीवर स्टार्ट हो गया और 1-2 सेक्शन ऊपर से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। बैच फाइल पर क्लिक करेंगे, लूप पर क्लिक करेंगे, फिर इमेज पर क्लिक करेंगे, सेट स्टार्ट, और हमको जहाँ तक हमारा पेल्विस ख़त्म होता है वहाँ तक हमको इमेज चाहिए। यहाँ पर सेट एंड कर देंगे। कितनी इमेज चाहिए हमको? 69 टाइप कर देंगे मैनुअली। ओके, इसको एग्जिट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये केस थोड़ा टेढ़ा है, मैं आपको इसमें अभी बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटी कि इस पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस है, मतलब इसको लीजन है, पेनक्रियाज में लीजन है, और इस पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन हो रहा था, तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने काफ़ी टाइम बाद ये एडवाइज़ करा सीसीटी होल अब्डोमन, ये पेनक्रियाज नॉर्मल नहीं है। तो इसी की वजह से पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी पेन से ये जूझ रहा था पेशेंट। ठीक है, इसको एग्जिट कर देंगे और कंट्रास्ट वाली में ये थोड़ा अच्छे से नज़र आ जाएगा। अब हम थिन कंट्रास्ट को रिफॉर्मेट में ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको भी जहाँ से हमारा लीवर स्टार्ट होता है इसको एक्सजीएल को ओब्लिक में ले लेंगे, बैच पे क्लिक करेंगे, लूप पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, सेट स्टार्ट,
और 70 इमेज हम इसके ले लेंगे। सेट एंड 70 इमेज मैनुअली टाइप कर लेंगे। ओके, ये हमारी कंट्रास्ट की है। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि पेशेंट को लीजन कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, ये लीवर हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया, स्प्लीन, ये हमारी पैनक्रियाज है। ये देखिए आप, ये एनहांसमेंट आ रहा है यहाँ पर, ये पेशेंट को लीजन है, पैनक्रियाज में लीजन है, ये नॉर्मल पैनक्रियाज नहीं है। ये हमारी किडनी स्टार्ट होगी, ये हमारी इंटेस्टाइन होगी। फ्रेंड्स सीसीटी होल एब्डोमेन में जब ओरल कंट्रास्ट देते हैं, जहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती हैं, उसको बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन, आईसी जंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली वहाँ तक डॉक्टर को वो डाई चाहिए होती है, मतलब फिर हमारी वहाँ से जो लार्ज बाबल हमारी स्टार्ट हो जाए, लार्ज बाबल तो वो चढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो बेसिकली वहाँ तक डॉक्टर को चाहिए होती है। ठीक है, इस केस में क्या था कि 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे पेशेंट को, लेकिन आप देख रहे हैं ये आईसी जंक्शन है, इसको यहाँ तक ओरल कंट्रास्ट नहीं आ पाया था, तो फिर हमने इनको रेक्टल कंट्रास्ट दिया था। ठीक है, जितना जा सकता था हमने रेक्टल कंट्रास्ट दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में रेक्टल कंट्रास्ट देने के बाद में हमने कंट्रास्ट इनका स्कैन कर दिया। अब कॉर्नल हम इमेज बनाएंगे, इसको भी हम ओब्लिक में सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ी सी इमेज को हम सिमेट्रिकल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा लीवर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से हम इसको इमेज को क्लिक करेंगे, बैच फाइल पर क्लिक करेंगे, लूप पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, सेट स्टार्ट, और जहाँ हमारी किडनी एंड हो रही है, सेट एंड। हमको 25 इमेज चाहिए, 25। ओके, एग्जिट। ओके, स्काउट को फिल्म पे, मैनुअल फिल्म पे डाल लेंगे। 7x5 का हम फॉर्मेट रखेंगे, जो हमारा स्काउट है इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, हाइड करेंगे। और जो हमने 69 इमेज बनाई थी, प्लेन मैनुअल फिल्म पे डाल लेंगे, और इनको हम जूम कर लेंगे। फ्रेंड्स हर वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इमेज को जूम इतना करना है कि हमारी इमेज बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, जो भी हमारा पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। अगर ये कट जाएगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जूम हो गया, और हम कंट्रास्ट वाली इमेज को मैनुअल फिल्म पर डाल लेंगे। ये लास्ट वाली हम दो डिलीट कर देंगे, और इसमें जो हमारी फाइंडिंग है, फाइंडिंग वाली इमेज है, उनको जूम करके दे देंगे एक्सजेल की, 2-3 इमेज, सेव सेव। एक कॉर्नल की दे देंगे, मैनुअल फिल्म पे इनको भी जूम कर लेंगे, थोड़ा सेंटर में ले लेंगे इमेज को, इसको भी जूम कर लेंगे, जूम हो चुकी है हमारी। इनको थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेंगे, वहाँ पे फोकस देना है जहाँ पे हमारा वो लीजर हो रहा है। ये वाला, अब जो हमने 25 इमेज बनाई थी उनको भी हम मैनुअल फिल्म पर डाल लेंगे।
इसका 5x5 का फॉर्मेट करेंगे, जूम कर लेंगे, ये पांच फिल्म हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। स्काउट के साथ में ये एक प्लेन होगी, सेकंड प्लेन होगी, ये हमारी कंट्रास्ट की होगी, ये सेकंड कंट्रास्ट की होगी, और ये कंट्रास्ट की हमारी कॉर्नल फिल्म हमारी रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पांच फिल्म हमको देनी होती हैं सीसीटी होल एब्डोमेन में, दो प्लेन, दो कंट्रास्ट और एक कॉर्नल कंट्रास्ट। फ्रेंड्स, आपको हमारे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने एंड तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।